अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं जिसकी तमीर तकरीबन 5000 साल पहले हुई थी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज हैं जो आज तक बहुत ज़्यादा लोगों से सॉल्व नहीं हो पाई, तो आज हम जाके फाइंड आउट करेंगे कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है। और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये जगह बहुत ही फेवरेट रही है और उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से मिली हैं आज तक, जिनको हम जाके यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम है उसमें जाकर चेक करेंगे और देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो लेबर थी जिन्होंने एक कंस्ट्रक्शन की थी 5000 साल पहले, उनके क्वार्टर्स अभी तक बड़े अच्छे कंडीशन में हैं, उनको जाके थोड़ा देखेंगे और ये फाइंड आउट जाके करेंगे कि वो यहाँ पे कैसे रहते थे, उनका रहन सहन यहाँ पे कैसा था। और उसके अलावा जो एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी जाके थोड़ा विजिट करेंगे और उसके बारे में थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो एंड बाय द टिकट फर्स्ट एंड देन विल जस्ट गो इनसाइड एंड फाइंड आउट अबाउट द। I think we just came from Pakistan. Okay. So अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे आपको शायद दो बिल्डिंगें नज़र आ रही होंगी। मेरी लेफ्ट साइड पे एग्जीबिशन सेंटर है और राइट साइड पे उन्होंने एक बड़ा अच्छा कैफे बनाया है, लेकिन इसके इन दोनों के बिल्कुल मिडल में उन्होंने टिकट ऑफिस बनाया है। हम वहाँ पे जाएंगे, पहले टिकट लेते हैं, फिर उसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे एग्जीबिशन सेंटर में और वहाँ पे जाके देखेंगे कि यहाँ पे जो इनको आर्कियोलॉजिस्ट को जो फाइंडिंग्स मिली हैं उसके बारे में थोड़ा जाके फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स गो। पहली चीज़ नज़र आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे देखें आप स्टोन कि इन्होंने यहाँ पे कैसे रखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा क्लोजली और कुछ ये मेरे पीछे लेबर के क्वार्टर्स हैं जो 5000 साल पहले बनाए गए थे और यहाँ पे वो लेबर रहती थी जिन्होंने ये सारी कंस्ट्रक्शन की थी। तो पहले स्टोन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। सो आई थिंक बेसिकली स्टोन के बारे में इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वो जो स्टोन वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किए हुए हैं वो तकरीबन 25 टन का एक स्टोन है जो कि 13 फीट हाई है और 7 फीट उसकी विड्थ है। और इनके मुताबिक उस दौर में ओबियसली टेक्नोलॉजी तो ऐसी कोई नहीं होती थी जो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती थी, तो इन्होंने एक ये मेथड आई थिंक अपनी तरफ से सोचा हुआ कि मे बी इस तरह उन्होंने ट्रांसपोर्ट किए होंगे ये स्टोन्स। जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं लेबर क्वार्टर्स जो तकरीबन 5000 साल पहले बनाए गए थे। इनके अंदर जाते हैं और देखते हैं, क्योंकि इन्होंने एक यहाँ पे खुला छोड़ा हुआ है जस्ट लाइक फॉर पब्लिक, सो हम लोग जाके इसको देख पाएँ। एनी वे लेट्स गो इनसाइड एंड फाइंड आउट। पहले इसकी आप एंट्रेंस चेक करें इन्होंने कैसी बनाई है, यानी कि जो बाहर की इन्होंने जो वॉल बनाई है आप कह सकते हैं बिल्कुल एंटर होने से पहले, ये स्टिक्स की बनी हुई है आप देख सकते हैं, क्या ज़बरदस्त इंजीनियरिंग इन्होंने यूज़ की हुई है उस दौर में भी। और अब हम जाएंगे इसके अंदर और देखते हैं कि ये अंदर से कैसा है। सो अंदर का सबसे जो मेरा पहला एक्सप्रेशन है वो ये है, मुझे बेड नज़र आए हैं दोनों तरफ हैं, एक मेरी राइट साइड पर एक मेरी लेफ्ट साइड पे। सो पहले हम देखते हैं राइट साइड वाला बेड ये किस तरह इन्होंने बनाया है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे की गई है कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का लॉग है यहाँ पे और ऊपर इन्होंने ये स्टिक्स लगा के एक बेड बनाया हुआ है। आई डोंट नो, इतना कंफर्टेबल तो नहीं लग रहा, पता नहीं कैसे सोते होंगे, बट एनीवेज 5000 साल पहले तो ऐसे रहते होंगे लोग। और सामने जो यहाँ पे है वो एक रैक है आई थिंक, यहाँ पे अपना सामान वगैरह शायद रखते होंगे या बर्तन वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ें। और मिडिल में उन्होंने एक मुझे दायरा सा नज़र आ रहा है और मैंने इसकी फ़ोटो देखी थी वहाँ एग्जीबिशन सेंटर में, उसमें तो ये दिखाया गया था कि यहाँ पे आई थिंक चूल्हा वगैरह जलाने के लिए या आग जलाने के लिए या कुछ पकाने के लिए यूज़ किया जाता था। और एक जो बेड है और इस तरफ है, आई थिंक ये शायद एक फैमिली के लिए होगा या दो लेबर के लिए होगा, आई हैव नो आइडिया। और अगर आप छत की तरफ देखें कम्प्लीटली सारी स्टिक्स की बनी हुई है और
स्टिक्स और घास है, आई थिंक मिक्स है। बाहर वाली साइड पर उन्होंने घास लगाया हुआ लंबा लंबा ताकि अंदर बारिश ना आए। और जो दरवाज़ा है इसका वो भी सारा स्टिक्स का बना हुआ है। अगर आप ये देखें टोटल सारे स्टिक्स हैं यहाँ पे। चलो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, दूसरे हट साथ चेक करते हैं। हाय हाउ ये गुड। और एक ये छोटा सा हट है यहाँ पे, आई थिंक मे बी ये कुछ स्टोरेज के लिए होगा क्योंकि बिल्कुल छोटा सा है। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल के बंदा यहाँ पे रह सकता है। अंदर से कुछ नज़र आ रहा है, हाँ अंदर स्टोरेज पड़ी हुई है, लेकिन स्टोरेज इन्होंने एडवांस रखी हुई है आजकल के ज़माने की। एनीवेज उस जगह पर चलते हैं जो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ से एक बस जाती है हर कुछ मिनट्स के बाद, उस बस को लेते हैं और सीधे चलते हैं वो जो कंस्ट्रक्शन है स्टोनहेंज की, और वहाँ पे जाके देखते हैं कि वो कैसा तैयार किया गया था। एनीवे लेट्स गो। तो अभी बस के लिए हमें जाना पड़ेगा इस तरफ। कहाँ पर हैं बसेस? वो शायद आपको नज़र आ रही होगी बस, तो अभी वहाँ पे चलते हैं उसमें बैठते हैं। और दूसरी बात ये है कि आज बारिश की फोरकास्ट नहीं थी लेकिन बारिश काफ़ी हो रही है यहाँ पे। एनीवेज नो प्रॉब्लम। हाँ यार श्योर। सो ये बस है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि वो जो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी दूर है यहाँ से। एनी वे यहाँ बैठते हैं और जाते हैं उसकी तरफ। बस स्टॉप से तकरीबन हमें वॉक करनी पड़ेगी 2-3 मिनट की आई थिंक। जो स्ट्रक्चर है वो मुझे यहाँ से नज़र तो आ रहा है, तो हम बस वहाँ पे पहुँचने वाले हैं और फिर देखते हैं इस कंस्ट्रक्शन को। अगेन जो 5,000 साल पहले बनाया गया था और उसके जो रिमेन्स हैं, जो बाकी इसका सिर्फ यही कुछ बचा है क्योंकि काफ़ी जो पत्थर हैं वो गिर चुके हुए हैं, ख़त्म हो चुके हुए हैं। आपको शायद नीचे नज़र आ रहे होंगे। एनीवे मैं क्लोजअप कैमरे से आपको दिखा भी दूंगा। और यहाँ पर जो ईच स्टोन है ये है 13 फुट ऊंचा है और 7 फिट चौड़ा है, और इसका जो वेट है तकरीबन 28 टन है, यानी कि 4 हाथियों जितना इसका वेट है एक स्टोन का। तो इमेजिन करें ये स्टोन लेके आए हुए हैं 150 से 200 मील की दूरी से। जो मैंने आपको पहले दिखाया था जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था, ये सिर्फ एक गेस है कि ऐसे लेके आए होंगे, लेकिन ओरिजिनल टेक्नोलॉजी का आज तक किसी को पता नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं है और यह है भी बहुत पुराना। सो इसलिए इसके बारे में सिर्फ मिस्ट्रीज हैं, सिर्फ गेस ही किए हुए हैं। और इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि ये जो स्टोन ऐसे लगाए गए जिस तरीके से ये लगाए गए हैं ये टाइम जोन बताते हैं। और इसके अलावा ये जो मिड समर और मिड विंटर का जो सनसेट है और सनराइज है उसके लिए उन्होंने सेपरेट यहाँ पे स्टोन लगाए हुए हैं। हम उनको जाके देखते हैं कि वो कैसे मेजर करते थे जो टाइमिंग थी एंड एवरीथिंग। इस जगह को तामीर करने के लिए सबसे पहले सर्कल में एक खाई खोदी गई जो कि बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी। फिर इस खाई के पास अंदर वाली साइड पे चारों तरफ छोटे स्टोन्स परफेक्ट सर्कल में लगाए गए, और इसके तकरीबन 500 साल के बाद बिल्कुल सेंटर में इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया गया। और इस कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 80 स्टोन्स यूज़ किए गए जिसमें से अभी 52 बाकी बचे हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इन स्टोन्स को कुछ इस तरह से लगाया गया था
जिससे उस जमाने के लोग चांद, सूरज और सितारों की गर्दिश का अंदाजा लगाते थे। इस कंस्ट्रक्शन के दौरान एक स्टोन थोड़ा दूर ईस्ट की तरफ लगाया गया था और दूसरा स्टोन वेस्ट की तरफ, जो मिड समर और मिड विंटर सनराइज और सनसेट की टाइमिंग के लिए यूज किए जाते थे। ये जो मेरे पीछे आपको स्टोन नजर आ रहा है, इसका जो मेन पर्पज है वो ये था कि यहाँ पे जो मिड समर सनराइज है वो इससे अंदाजा लगाते थे, यानी कि इसके जो टॉप है, जो टिप है, वहाँ से एक शेडो बनता था जो सीधा अंदर की तरफ जाता था। शायद उन्होंने वहाँ पे आई डोंट नो कैसे अंदाज़ा लगाते थे उस चीज़ का। तो ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन से आप देखें तो काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन जो इसका मेन पर्पज वो यही है कि मिड समर सनराइज और मिड विंटर सनराइज का अंदाज़ा वो यहाँ से लगाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि यहाँ पे एक कब्रिस्तान होता था और यहाँ से तकरीबन उनको 100 लोगों की हड्डियाँ मिल चुकी हैं, जिसमें 50 हड्डियाँ मर्दों की हैं और 50 औरतों की। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे सिर्फ एलीट क्लास लोगों को दफनाया जाता था। एनीवे, यहाँ से भी निकलते हैं क्योंकि ये लास्ट बस है हमारी जो यहाँ पे खड़ी है इस टाइम, और ये वैसे भी बंद भी होने वाला है हाफ एन आवर तक, तो हमें अभी जाना है उस म्यूज़ियम में जो इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पर इनको फाइंडिंग्स मिली थी, उसको जाकर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो यहाँ से मिली। Cheers, buddy. Thank you. Right, thank you so much. See you. Okay, बस से जब नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे इन्होंने छोटी सी ये शॉप बनाई हुई है जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं, लाइक इस जगह के रिलेटेड। शॉप से जब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त कैफ़े बनाया हुआ है, ये देखें। एनी वे, हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे जाना है यहाँ पे अभी उस एग्जीबिशन सेंटर में, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, और टाइम हमारे पास सिर्फ हाफ एन आवर रह गया है, तो इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या फाइंडिंग्स मिली हैं अभी तक। Thank you so much. Yeah, I'm just going to be quick. Thank you so much. So, look at that. How nice it is. Yeah. अच्छा, शायद आपको अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इस सर्कल के मिडल में खड़ा हूँ और इन्होंने यहाँ पे 3D प्रोजेक्शन की हुई है, यानी कि जो स्टोन्स हैं जो बाहर जो अभी स्ट्रक्चर देख के आए हैं, अगर आप उसके मिडल में जाके खड़े हों तो आपको ऐसा ही नज़र आएगा। और ये हैं वो चीज़ें जो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी। इनमें कुछ लोगों की हड्डियाँ थीं और कुछ जानवरों की, और जानवरों की हड्डियों से बने हुए औजार भी थे। और यहाँ पे सिर्फ एक इंसान का पूरा ढांचा लेबर क्वार्टर्स में मिला था, और कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये इंसान ऐसा दिखता था। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के कुछ फेजेस लगाए गए हैं, यानी फेज वन ऐसा था और इसके 500 साल के बाद फुल कंस्ट्रक्शन हुई, और देन आज के दौर में सिर्फ ये कुछ बचा है। सो ओके एवरीवन, आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर गाइस, सब्सक्राइब कर लो।